इस वक्त यमुनानगर में मौजूद है, कुछ महिलाएं नहीं से जानते कि क्या कुछ माहौल रहने वाला है अब की बार चुनाव का। जी क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, क्या लग रहा है यमुनानगर में 10 साल से बीजेपी है, क्या कुछ लगा खास? मतलब कुछ खास नहीं लगा, इन्होंने कुछ वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, कुछ सुनवाई नहीं हुई कभी भी, गए हम उनके पास तो। आप गए तो क्या क्या दिक्कतें आई आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में गंदा पानी, पानी में कीड़े इतने, और हमारी गली में बहुत बुरा हाल है, पानी भर जाता है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है अब बार कौन बनेगा विधायक यहाँ से? यहाँ से दिलबाग भाई, दिलबाग सिंह बनेगा। दिलबाग? हाँ जी। क्यों, क्या हो गया ऐसा जो दिलबाग को चुन रहे पहले वाले कैंडिडेट से, क्या नाराजगी होगी? भैया बहुत सुनवाई नहीं करते थे किसी भी चीज की, तो हम चाहते हैं कि अब नया कैंडिडेट आए और हमारा दिलबाग सिंह जीते। क्यों, कांग्रेस वाले भी तो हैं, उन्हें नहीं मौका देने के? भैया हमको 10 साल मौका दे दिया है, अब दिलबाग की बारी है। अच्छा जी, क्या लग रहा है माहौल कुछ बदल रहा है, क्या लग रहा है आपकी बार? 10 साल से बीजेपी है, क्या कुछ काम करे बीजेपी ने? बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किए, अब देखो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं लोग, काम धंधा नहीं है लोगों के पास, तो दिलबाग भाई आएंगे अब की बार, कुछ क्या शायद हमें नौकरी भी मिल जाए अब कुछ। तो क्या क्या समस्या है आपके सामने इन 10 सालों में जो है आपके क्षेत्र में? बहुत सी समस्याएं है हमारे यहाँ पर, देखो घर में मतलब हमारे यहाँ पे गली में गलियाँ नहीं ढंग से बनी हुई है, बिजली का बिल इतना आया है। बिजली वाले तो कह रहे हैं हमने सारी सड़कें बनवा दी। कहाँ बनवा दी हमारी, देखना टूटी पड़ी सारी सड़कें, एक बार आके देखा उन्होंने? तो आपने तो जितवाया होगा पहले उन्हें? हमने तो कोई नहीं जितवाया। तो अब की बार किसे जितवा रहे? दिलबाग सिंह को। दिलबाग सिंह, हाँ जी। जी क्या लग रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं जी, एक तो गलियों का हाल इतना बुरा है, सैनिटेशन जीरो, ठीक है, बारिशों में हाल इतना बुरा हाल होता है ना कि बैठ मतलब इतनी स्मेल आती है ना, बैठ भी नहीं सकते घर में, ठीक है, पहले तो वो नालियाँ ठीक करें, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन का भी उन्होंने बोला है कि फ्री करेंगे, सबसे मेन पॉइंट तो ये ना कि हर किसी को एजुकेटेड। बीजेपी ने कहा था? बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, बीजेपी को छोड़ो, बीजेपी की बात करेंगे नहीं हम, तो दिलबाग सिंह को जिताएंगे और उन्हीं की बात। दिलबाग सिंह को तो जिताओगे, 10 साल से आपने बीजेपी का राज देखा, तो क्या खास लगा, क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें ये आई जैसे अगर हमें कोई भी काम करवाना है, ठीक है, पेपर वर्क ही नहीं खत्म होता, ठीक है, स्कूल में जाओ वहाँ पेपर वर्क नहीं खत्म होता, कोई छोटे मोटे काम कराना हो तो वो फलाना कार्ड लेके आओ, आईडी, फैमिली आईडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई ना कोई नुक्स, और बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता। तो घनश्याम दास अरोड़ा आपके विधायक हैं, तो कभी गए उनके पास समस्या लेके? हम तो दिलबाग सिंह के पास ही जाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे। नहीं, पहले आपके विधायक थे घनश्याम दास, तो उन्होंने कुछ काम वाम नहीं किया क्या? मैंने तो उनको देखा तक नहीं है कभी, यहाँ पे आते तो मैं उनको देखा भी नहीं, नहीं विधायक को ही नहीं, विधायक को देखा बट यहाँ कभी आए नहीं वो हमारे पास, हमारे बीच आते कुछ पूछते तो हम उनको बताते। बीजेपी तो विकास की बातें करी, कह रही है विकास के दम पे दोबारा फिर आ रहे हैं आपकी बार, विकास के दम पर आ रहे, पहले यहाँ पर आकर देख ले क्या विकास हुआ, आप खुद भी यहाँ पर आए हैं, आप खुद देख रहे हैं कितना विकास हुआ हुआ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है बीजेपी सरकार। बिल्कुल, थैंक यू। जी भाई साहब आप बताइए क्या माहौल लग रहा भाई अब की बार दिलबाग सरकार? अच्छा, हाँ जी। क्यों घनश्याम दास अरोड़ा से क्या दिक्कत है? आज तक हमने देखा ही नहीं इस मॉल के अंदर, इस मॉल ने आज तक नहीं देखा घनश्याम अरोड़ा को, आज तक नहीं देखा भाई, जब से वो जीते अभी तक नहीं देखे, कौन है घनश्याम अरोड़ा, हमने आज तक नहीं देखे, आज तक नहीं देखे, नहीं जी। तो कभी गए उनके पास के भाई ये दिक्कत आ गई हमें, ये होना चाहते हैं, पता क्या कहते हैं, वो अभी मीटिंग में है, वो अभी वहाँ पे है, वो अभी वहाँ पे है, ऐसे बात करते हैं। तो जनता ने मन मना लिया क्या अब की बार? अब की बार सब जनता ने मन मना लिया है, अब की बार दिलबाग सरकार। दिलबाग के लोग तो कह रहे कांग्रेस की एक हवा सी चल रही है, कांग्रेस की तरफ भी रुख कर रहे हैं लोग। अजी कांग्रेस का क्या करना, 10 साल तो पहले देख लिया कांग्रेस को, अब की बार हमने दिलबाग भाई जी को जिताना है। अच्छा, दोनों को 10-10 साल देखे अब की बार दिलबाग? अब की बार दिलबाग जी। भाई साहब अब की बार क्या लग रहा है माहौल? दिलबाग जी 1 लाख पार होने वाले हैं। 1 लाख पार? बिल्कुल, जनसैलाब आज आपने देखा, दिलबाग जी की रैली देखी और ताऊ देवीलाल की जयंती पर उचाणा नरवाना मंडी में, वहाँ पे आपने जनसैलाब अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा के अंदर कितना बड़ा जनसैलाब आएगा और कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है, ये महाशक्तियों का गठबंधन है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो 5 बार सीएम रहे हरियाणा प्रदेश के, और बहन कुमारी मायावती जो कि हरियाणा प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की 5 बार वो भी सीएम रही हैं, तो ये दो महाशक्तियों का गठबंधन है। अच्छा, गठबंधन का कितना फर्क पड़ेगा इस सीट पे? बसपा का कुछ फर्क भी है इस सीट पे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि बहुत समय से दलितों के हक और बैकवर्ड क्लास के हक मारे जा रहे हैं, जिससे वो जागृत हैं, उत्तेजित हैं, और उनको बहन मायावती जी जिन्होंने गठबंधन किया इनेलो से, उनकी ओर बड़ी जिज्ञासा की नजर से ये वर्ग देख रहा है। की बार दिलबाग का नंबर है पक्का। जी भाई साहब क्या माहौल लग रहा है? माहौल दिलबाग जी के पक्ष में है बिल्कुल, एक तरफा माहौल है, जैसे आप पूछ रहे थे कांग्रेस की हवा, कांग्रेस की हवा जमीन से 100 फुट ऊपर है, धरातल पे कोई हवा नहीं है। कांग्रेस वाले तो कहने के सरकार आने वाली है, बस बटन दबाना जाके। बिल्कुल, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, धरातल पे देखिए आप तो पत्रकार हैं, धरातल पे देखिए।
अरे अमित शाह भी आ गए थे भाजपा से, भाजपा वाले भी हवा में हैं कह रहे हैं। मोदी फैक्टर और अमित शाह वाला जो फैक्टर है वो खत्म है, नथिंग नाउ नथिंग। घनश्याम दास वाला फैक्टर, घनश्याम जी तो पहले भी हवा में जीते हुए हैं, वो तो पहले भी हवा में जीते थे, वो उससे पहले तीन बार क्यों आ रहे हैं, चार बार क्यों आ रहे हैं? अच्छा, वो तो मोदी जी की लहर में है। अब दिलबाग जी हैं, दिलबाग जी की लहर है, दिलबाग जी की पूरी लहर है। जिताओ जी, किसकी लहर है? भाई दिलबाग सिंह की लहर है, भाई दिलबाग सिंह जी भारी बहुमत से जीत रहे। कह रहे पिछली बार भी लास्ट में जाके फाइट करके हारे थे शायद दिलबाग, कुछ ही वोटों से हारे थे पिछली बार भी। वो एक साजिश के तहत हराए गए थे, हारे नहीं थे। अच्छा, हाँ जी, काउंटिंग 7 बजे तक चलाई। क्या लग रहा गठबंधन का, वो जो कुछ रह रही थी बातें वो पूरी हो जाएंगे गठबंधन से? सारी पूरी होंगी, सब पूरी होंगी, बिल्कुल पूरी होंगी। तो लग रहा है कि अब की बार उनका नंबर है? लग रहा नहीं, निश्चित है, निश्चित कर दिया। हाँ जी, लग रहा नहीं है। अरोड़ा जी तो कह रहे हैट्रिक मार रहे हैं, शब्द तो बिल्कुल हटाओ बीच में, लग रहा है। अरोड़ा जी कह रहे हैट्रिक मार, अरोड़ा जी सभाओं में कह रहे हैं हैट्रिक है मेरी अब की बार। मैं अगर दिन को रात कहूँ और रात को दिन कहूँ क्या सब तक है, ऐसा नहीं होता। अब की बार इन्हीं का नंबर है पक्का, 100% 110% जी भाई साहब, भारी बहुमत से। हाँ जी जी भाई साहब, क्या लग रहा है दिलबाग सिंह रमन त्यागी या घनश्याम? रुक जाओ भाई साहब, दिलबाग सिंह, ओनली दिलबाग सिंह, अब की बार लाख पार, लाख पार, लाख पार। क्या खास वजह है दिलबाग में ये बता दीजिए आज जी? खास बात तो देखो ये है कि वो 10 साल 15 साल से जब से राजनीति में आए हैं लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। 2009 में जैसे वो जीते और 2014 के हारने के बाद भी प्लस में ही वोट लेके गए हैं। अच्छा, 9 में जीत गए, 14 में हारे, 14 में क्या खास वजह लग रही है कि हारे, 19 में क्या खास वजह लग रही है हारे? 19 में बस यही था कि चलो फैक्टर था कि हवा चल रही थी बीजेपी बीजेपी ये वो, पर उसमें भी 10,000-20,000 प्लस वोट लेके गए हमारे विधायक जी, कोई कम नहीं लेके गए हैं, तो अब भी ज्यादा ही प्लस लेके जाएंगे। बसपा का गठबंधन से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। घनश्याम दास जो हैट्रिक की बात कर रहे हैं, घनश्याम दास जी पहले विधानसभा में सोने से उनको फुर्सत मिले तब, तो वो तो विधानसभा में जाके सोए रहते हैं सिर्फ। अच्छा, कोई आपकी आवाज ही नहीं उठाई कभी? कुछ भी नहीं उठाया जी उन्होंने, यहाँ तो दलित लोगों का कुछ भी नहीं उठाया कभी, आके भी नहीं देखा वार्ड में उन्होंने कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। अरे कभी आप ही चले जाते उनके पास, उनके दफ्तर में जाओ तो कोई पानी पूछने वाला कोई नहीं होता, कोई जले भी जाए ना तो कहते भाई है नहीं, अंदर ही बैठे होते। मन बना लिया है अब की बार दिलबाग की सरकार। वैसे एक एक सवाल तीनों से, दिलबाग सिंह वो घनश्याम दास रोडा सो रहे हैं विधानसभा में? सोते हैं, वीडियो कितना उनका सर्कुलेट हुआ है आप देखिए, उसमें सोशल मीडिया पे है, तो अब तक चुनाव में और वायरल हो रहा होगा। देखिए वो घनश्याम जी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सम्मान करते हैं उनका, मगर उनको अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। अच्छा। और जनता उनसे आराम ही करवाना चाहती है। युवाओं को मौका दोगे? हाँ बिल्कुल, युवा को मौका मिलेगा जी भाई साहब। घनश्याम दास को हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आदरणीय घनश्याम दास जी ने 10 साल से सत्ता में रहे लेकिन जनता जनार्दन की समस्याओं की तरफ उन्ना कामयाब रहे और जनता ने मन बना लिया कि इस बार दिलबाग सिंह जी भाई साहब। क्या आपके कभी मुद्दे नहीं उठे विधानसभा में घनश्याम दास? कोई मुद्दा नहीं उठा, उन्होंने तो सोने का काम किया विधानसभा के अंदर, सारी जनता जानती है, मीडिया जानता है, जनता जनार्दन जानती है। और कई बार प्रेस वार्ताएँ होती है, जो ये होती है ना कई पत्रकार आते हैं डिबेट होती है, उस डिबेट में भी लोगों ने मुद्दा उठाया उनके मुँह पर, आप तो सोए रहते हो। अच्छा। अभी हमारा ये शांति कॉलोनी चिट्टे मंदिर के पास पूर्वांचल का इलाका है, बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, बड़ी घनी आबादी है, कभी उन्होंने 10 साल विधायक रहते हुए मुड़ के नहीं देखा। तो लग रहा है दिलबाग सिंह आते हैं यहाँ दिक्कतें जो पब्लिक को है वो दूर हो जाएंगे? बिल्कुल पक्का, जुझारू नेता है हमारा, बिल्कुल स्ट्रगल करने की बार 1 लाख पार, लाख पार बिल्कुल पक्की बात है। तो ये थे लोग जिन्होंने बताया कि अब की बार दिलबाग सिंह 1 लाख पार। फिलहाल इतने धन्यवाद। ये तो चल बस आने वाली है घंटे में। आप बोलेंगे यार, मैं जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार अगर होता है और फिर भी माल सस्ता होता है, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं जो भ्रष्टाचार हुआ भी नहीं, वो पैसा गया कहाँ। वो पैसा एक, दूसरा महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। घुमा के कर रहे हो बात, सीधा सीधा बताओ। सीधा सीधा बता रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, तेल 70 से 140 हो गया खाने वाला, तेल 70 से 140 हो गया, दालें 100 पार हो गई, इस चीज़ पे कौन बात करेगा? चलो इस हम आपकी है की बात करते हैं, आपके यहाँ से विधायक घनश्याम दास हैं, तो क्या कुछ खास कार्य लगे? घनश्याम दास जी की तो सकल ही नहीं देखी हमने, अभी तक है कहाँ वो, 10 साल से हमने बनाया, झूठ बोला गया हमसे कि हमारे को हम ये देंगे हम वो देंगे, क्या दिया उन्होंने? भ्रष्टाचार ही दिया, जो आज तक हमारी गलियों की सड़कें भी टूटी पड़ी, बारिश आने पे इतना पानी भर जाता है जैसे लगता है स्विमिंग पूल चल रहा है। घनश्याम दास जी की देन ये है। तो आप क्या वोट मांगने आ रहे होंगे अब? तो वोट मांगने आए तो सही,
वो तो वोट मांगने आए ही नहीं श्रीमान जी, क्योंकि इन गलियों में उनसे चला नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ ये हालत हो चुकी है कि इन गलियों में उनसे चला नहीं जाएगा। क्या बताओ, इसलिए ना आ रहे हो, कोई जीत गए आपकी बार फिर? जीत कहाँ से जाएंगे, इस एरिया में 8000 से ज्यादा वोटे हैं हमारे एरिया में, सिर्फ चौधरी कॉलोनी में, कहाँ से ले लेंगे? बाबूजी शकल दिखा दें वही बहुत है, उनका एमसी हमने बनाया, एमसी 4 साल में ही रिजाइन दे के भाग गया, कहता है मेरे बस का वार्ड नहीं रहा, अब कई रास्ता कहीं और देखे। तो 8000 वोट किधर जाएंगे अब की बार आपकी? 8000 वोट अब की भाई दिलबाग सिंह के पास जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ दिलबाग सिंह के पास जाएंगे, जो 15 साल से व्यक्ति हमारे साथ है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमारे साथ 15 साल से है। अच्छा, हमारे तो अब की बार उनका नाम आने वाला है जी, उनका नंबर है अब की बार? अब की बार उनका नंबर ही है। अच्छा। हर बार होता है, लेकिन क्या होता है, जीत जाते हैं कच्चा लालच दे के, कच्चा लालच कहते हैं ना, कच्चा राशन दे दूंगा, पका हुआ भाषण दूंगा, भाषण ही भाषण होते हैं उनके, कोई वैसे कुछ नहीं होता। 5 किलो में जिंदगी नहीं बीतती, 5 किलो इंसान कमा के खा लेगा, लेकिन जो महंगाई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। चलो महंगाई के चलते बीजेपी से पीछे हट रहे हैं लोग। एक उनका साथी बहुत बड़ा हाथी, अपने बच्चे की शादी करता है 5000 करोड़ की, उस पर छापा नहीं मरेगा। अगले दिन वो मोदी जी को बुला लेगा, देखो मोदी जी मेरी शानो शौकत, लेकिन 200 रुपया अगले दिन अपने कूपन में बढ़ा देगा। ताऊ जी यहाँ दिलबाग है आपकी बार? हाँ दिलबाग क्या है। चलो महिलाएं जी से, जी क्या लग रहा है माहौल, क्या कह रहा है आपकी बार यहाँ का माहौल, कौन बनेगा विधायक? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह, दिलबाग सिंह। और घनश्याम दास कह रहे हैं हैट्रिक है, हारेगा जी, हारेगा, हारेगा। हाँ जी क्यों? ये दिलबाग की शोभा है और यहाँ की जमुना नगर की शोभा बनेगी। दिलबाग सिंह, दिलबाग।